अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, खैरियत से हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं। चलिए आपको दिखाता हूं कि सऊदी में ड्राइवर लोग सब्जी कैसे बनाते हैं, चिकन कैसे बनाते हैं। तो चलिए, मैंने आज रेस्क्यू किया है चिकन का, तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना ही अच्छा सालन बना है आज का मेरा। देखने के बाद तो मुंह से पानी निकलना तय है आप लोगों का। सऊदी में ड्राइवर लोग इसीलिए रात को बनाते हैं क्योंकि दिन में ड्यूटी होती है, तो दिन में इतना अच्छा से बना नहीं पाता है। रात को बनाते हैं आराम से, नींद थोड़ा कम होता है, नींद की बर्बादी होती है थोड़ा सा, लेकिन रात को बनाते हैं अपने मज़े से। भाई जब इतना दिन में काम करते हैं, इतना दूर से आए हैं, अच्छा खाना नहीं बनाएंगे तो क्या फ़ायदा। थोड़ा एक दिन नींद कम करके दो दिन खाएंगे तो आराम से बनाएंगे ना। देखिए कितना अच्छा बना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप सब? आज मैं सालन बनाने के लिए जा रहा हूँ चिकन। प्याज कढ़ाई चल रही है, अभी प्याज काट रहा हूँ। रात के 11:30 होने वाला है। मेरा सर कोई वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अभी ड्यूटी से आए हैं, मैं अपने रूम से वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को देखो। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, सऊदी में आके खाना बनाना सीखे हैं। सीखना चाहिए इंसान को, कब वक्त मिल जाए खाना बनाने की जरूरत पड़ जाए तो आपको बनाना पड़ेगा। आपकी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, आप अकेले घर में, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता अक्सर, लेकिन इत्तेफाक अगर पड़ जाए, आपकी वाइफ बीमार पड़ जाए, बीमार हो, अल्लाह ना करे किसी की वाइफ बीमार हो, अल्लाह उनको सेहत आमदा अमला मुस्तमरा अता फरमाए, इत्तेफाक से अगर कभी ऐसा हो गया तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो आपको सीखे रहेंगे तब ना आप बनाइएगा। ग्राइंडेड नहीं करते हम, ग्राइंडेड से अच्छा नहीं होता है, ग्राइंडेड करने से उतना टेस्टी नहीं आता जितना पहले के जमाने में दादी लोग अम्मी लोग जो लोहड़ा सिलौट से जो अपने देहात में बोलते हैं ना, हाथ से जो पिसाई करती थी मसाला को, वो जो टेस्टी आता था, अभी का टेस्ट नहीं आता है। अभी कितना ही अच्छा से बनाया ना, वो पुराना वाला टेस्टी आप कहां, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटल डिजिटल इंडिया, वही बात है ना। डिजिटल इंडिया आपको अच्छा है या पहले वाला इंडिया अच्छा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे ही आपको ग्राइंडेड मसाला अच्छा है या पुराना हाथ वाला मसाला अच्छा है, जरूर बताइएगा कमेंट में। कमेंट का मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं मिर्च हम काट काट के इसमें डाल रहे हैं, मिर्च है, उसके बाद ये लहसुन है, लहसुन को भी दो तीन टुकड़ा कर देते हैं ताकि कुटने में वैसे भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे भी बिना काटे भी कर सकते हैं। इधर पानी है, पानी में धुलाई हो रहा है, धुलाई करके ही करते हैं कोई काम, बिना धुलाई का अच्छा नहीं होता है। अभी अदरक, अदरक को थोड़ा काट देना ही बेहतर है, अदरक को छिलाई कर दिए हैं, समझे ना।
ऐसे ही भाई परदेश ऐसे नहीं होता है, परदेश की तरह करना पड़ता है, खटना पड़ता है, तब परदेश में लोग रह के अपनी कुर्बानियों को देकर अपना मुंह बंद करके कम पैसा खर्चा करके तो अपने इंडिया में अपना अपना देश में पैसा भेजता है। अगर खुला पैसा खर्चा करे ना इंसान तो जो कमाता है वो भी इधर खाने में चला जाएगा। 3 महीना में होने वाला है गैस मेरा खत्म नहीं हुआ, हो सकता है अभी बनाने ले जा रहे हैं गैस ना खत्म हो जाए, अल्लाह ना करे रात का टाइम है वे तो गैस भी बंद होगा। ये हो गया, इसको पीस दिए हैं, ऐसे ही बनता है भाई लोग सऊदी में खाना ऐसे ही बनाते हैं, हम लोग ड्राइवर लोग ऐसे ही बनाते हैं, क्या करेगा मजबूरी है, ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना बहन है, या अपना अकेले आए हैं तो अपना अकेले से खाना बनाना पड़ेगा, अपना ही ड्यूटी जाना पड़ेगा अकेले, ना कोई पूछने वाला ना का मालिक भी नहीं पूछेगा आप खाना खाया कि नहीं खाया, क्या पकाया नहीं पकाया, आज है तुम्हारे पास कोई नहीं, कुछ नहीं पूछने वाला भाई यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा। इंडिया में जाके चिकन का दुकान कर लेंगे क्या, अच्छा रहेगा क्योंकि चमड़ी उतारने के लिए सीख रहे हैं ना। ये काटने के भी सीख गए हैं, देख रहे हैं ये चमड़ी हम लोग उतार देते हैं क्योंकि इसमें बाल वाल रहता है हल्का फुल्का, घर में तो अम्मी लोग होती है बहन लोग होती है तो वो चमड़ी को आग में झड़का देता है उसको, यहाँ तो उतना टाइम है नहीं भाई, आप आग में इसको जलाओगे गैस बर्बाद करोगे, उतना टाइम है नहीं यहाँ पे। ये पीस ठीक है, एक लेग पीस का 3 पीस बनता है, एक लेग पीस है ये, इसका कीमत है 8 रियाल, 7 रियाल है, देख रहे हैं कैसे मेहनत करके फिर भाई रियाल बनता है, कितना कुर्बानियां देना पड़ता है हम लोगों को, और जो लोग इस बात को ना समझे तो वो उसकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है, लोग मजबूरी में आता है इतना देश छोड़ के, अपना देश छोड़ के जो इतना दूर आता है मजबूरी में लोग आता है, मजबूरी खींच के लाता है। अल्लाह ना करे किसी को इतना मजबूरी दे बेचारा घर द्वार परिवार छोड़कर बाहर देश काम करे। हाँ जिनका आमदनी ज्यादा है जिसका सैलरी ज्यादा है वो परिवार के साथ आ जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं उनका, लेकिन हम लोग गरीब आदमी का अकेले होना भारी पड़ जाता, परिवार को कहाँ से ला पाएंगे हम लोग, परिवार को नहीं ला सकते ना, परिवार को लाने के लिए कम से कम 2 लाख आपको एक्स्ट्रा खर्चा होगा, और 2 लाख कमाने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएगा कितना, 2 लाख कमाने के लिए आपको कम से कम 1 साल का कमाई चला जाएगा। ये तो चिकन हो गया भाई, चिकन फाइनल हो गया, अब धुलाई कर देते हैं। धुलाई करने के सब कुछ रूम के ही अंदर है, कहीं पर आपको जाना नहीं पड़ेगा, सब रूम के अंदर ही है, आप समझ सकते हैं। ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाथ पोछने के लिए है टिश्यू पेपर,
चलिए काट कूट का सामान खत्म हो गया है, बताता हूँ आप लोगों को। अभी प्याज फ्राई कर रहे हैं, समझे ना। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, हम इधर चिकन भी काट लिए हैं, देख रहे हैं चिकन धुलाई कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मसाला हमारा कहाँ तक तैयार हुआ है। ये देखिए मसाला होने के लिए तैयार है, माशाल्लाह कलर आ गया है, तेल निकल चुका है, तेल छोड़ रहा है अभी, देख रहे हैं ना तेल बिल्कुल निकल चुका है। अब इधर चिकन है, चिकन अब फ्राई होगा इसी के साथ। चिकन डाल दिए हैं, अब ये फ्राई होगा 10 मिनट के लिए, इसको छोड़ देते हैं। अल्लाहिर रहमानिर रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो क्या मज़े के सालन बना है आज, क्या ही कलर है माशाल्लाह। हो आलू मिलाया हूँ, बस फ्राई हो गया। थोड़ा सा पानी डाल के शुरुआत डालेंगे, सालन मेरा रेडी है। तो आप लोगों ने देखा कितना अच्छा से पकाया हूँ इस सालन को, कितना टाइम लगा है, देख रहे हैं आप लोगों ने देखा ना कितना टाइम लगा है। देखिए सालन कितना अच्छा बना है माशाल्लाह। बस थोड़ा सा और रहेगा, उसके बाद थोड़ा पानी मिला देंगे इंशाल्लाह। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा सालन का रेसिपी कैसा लगा, ताकि अगर जिस भाई को नहीं बनाने के लिए आता है तो वो इसी तरह से सीख सकते हैं। ड्राइवर लोग कैसे बनाता है सालन, आपने देख लिया, क्योंकि मुझे भी बनाना नहीं आता था जब मैं सऊदी आया था, मुझे भी बनाना नहीं आता था। मेरे रूम में एक लड़का था, उनको देख देख के हम बनाते थे। देखिए माशाल्लाह क्या ही कलर अच्छा आया है ना बड़े मज़े का माशाल्लाह। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ड्राइवर भाई लोग सऊदी में अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह से बनाइएगा जिस तरह से आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा बना है सालन। बस ये रेडी है, इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा पानी मिला देना है, अपने हिसाब से आप पानी मिला सकते हैं। शोरबा ज़्यादा रखेंगे, रोटी में खाना है, चावल में खाना है, जिस चीज़ में आप खाइएगा, समझे ना। आप जिस चीज़ में खाइएगा, रोटी में खाइएगा, चावल में खाइएगा, अपना हिसाब से शोरबा रख सकते हैं, समझे ना। तो चलिए इंशाल्लाह फिर दूसरा वीडियो जब लाऊंगा तो इसी तरह दिखाऊंगा सब्जी की, आलू मटर की सब्जी या गोभी की सब्जी इंशाल्लाह फिर लाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपने देख लिया कितना अच्छा से बन चुका है, देखा ना आपने कितना मज़े का है। तो इजाज़त दीजिए आप लोग, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में आप लोगों से, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।